एक और हमारा सिंगरौली जिले के अमलिया कोल ब्लॉक को कोयला मंत्रालय ने TLDC इंडिया लिमिटेड को आवंटित किया है। भारत सरकार द्वारा स्टेज वन फॉरेस्ट क्लियरेंस की अनुमति जारी की जा चुकी है। स्टेज टू की फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी बाकी है। अगर वो फॉरेस्ट क्लियरेंस की अनुमति हो जाती है तो कोयला निकलना शुरू होगा, आर्थिक गतिविधि शुरू होगी, मध्य प्रदेश को रॉयल्टी मिलेगी तो मध्य प्रदेश को रेवेन्यू भी मिलेगा। उन्होंने इस पर भी तत्काल कार्रवाई करने का मुझे आश्वासन दिया है। आज मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से भी मिला और मैंने अपील की कि बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड भी चिकित्सा सुविधाओं में अभी पीछे है और इसलिए एम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज छतरपुर में होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज दमोह में खोला जाना चाहिए और सिवनी जो हमारा चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ा जिला है वहां भी मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी जानी चाहिए। यद्यपि सिवनी के मेडिकल कॉलेज के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने टेंडर जारी कर दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो योगदान देती है वो योगदान भी उसमें दे।